Good morning, students. Now we are going to discuss lesson 8 of class 10+1, The Tale of Melon City by Vikram Seth. It is in verse form. You have already read such type of lesson in Hindi. This poem has been taken from the collected poems of Vikram Seth. ये जो कविता है वो विक्रम सेठ की जो कविताओं का संग्रह है the collected poems उनमें से लिया गया है. It was published in 1981. ये 1981 में प्रकाशित हुई थी. This poem describes the city, a tale of a melon, tale of a city where everyone including the king is foolish. ये जो कविता है वो एक ऐसे शहर के शहर की कहानी को बताती है जहां पर राजा को मिलाकर जो है प्रत्येक व्यक्ति मूर्ख था. द किंग वांटेड टू हैंग ए पर्सन फॉर कंस्ट्रक्टिंग एन आर्च टू लो. जो राजा है वो एक व्यक्ति को फांसी पे टांगना चाहता था. एक जो आर्च है मेहराब है उसको नीची बनाने के जुर्म में. बट द नूज वाज सो हाई, परंतु जो फांसी का फंदा था वो इतना ऊंचा था. दैट नो बडी कुड रीच अप टू इट, कि कोई भी उस तक नहीं पहुंच सकता था. ओनली द किंग वाज टाल एनफ टू रीच इट, केवल राजा ही इतना लंबा था कि वही उस तक पहुंच सकता था. सो ही गोट हिमसेल्फ हैंग्ड, इसीलिए उसने खुद को ही फांसी दिलवा दी. देन द फुलिश पीपल ऑफ द सिटी प्रोक्लेम्ड ए मेलन टू देयर किंग, और उसके बाद जो मूर्ख लोग थे उस शहर के उन्होंने तरबूजे को खरबूजे को जो है अपना राजा जो है वो घोषित कर दिया. वंस डिटेल समरी पढ़ेंगे इसकी. वंस ए फुलिश किंग रूल्ड ए सिटी, एक बार एक मूर्ख राजा जो है वो एक शहर पे राज करता था. वन डे ही ऑर्डर्ड दैट एन आर्च शुड बी कंस्ट्रक्टेड टू स्पैन ए मेजर थ्रू फेयर, एक दिन उसने आदेश दिया एक मेहराब जो है वो बनानी चाहिए जहाँ पे जो व्यस्त रास्ता है शहर का वहाँ पे. द वर्कमैन बिल्ट द आर्च, जो मजदूर लोग थे उन्होंने वहाँ पे एक मेहराब बनाई. बट द आर्च वाज लो, परंतु जो मेहराब थी वो नीची थी. वेन द किंग रोड अंडर द आर्च हिज क्राउन स्ट्रक अगेंस्ट इट एंड इट फेल डाउन, जब राजा जो है घोड़े पर सवार होकर उस मेहराब के नीचे से गुजरा तो उसका जो क्राउन था ताज था वो उससे टकरा गया और नीचे गिर गया. द किंग वाज एंग्री, राजा को गुस्सा आ गया. ही ऑर्डर्ड द That the chief builder should be hanged, कि जो मुख्य निर्माता था उसको फांसी पे लटका दिया जाए, उसने आदेश दिया. The rope and gallows were arranged, अब जो रस्सी और फंदा था या फिर फांसी का तख्ता था उसको उसका प्रबंध किया गया. When the chief of the builders was brought, जब निर्माताओं का मुखिया बुलाया गया. He asked the king to have mercy upon him, उसने राजा को अपने ऊपर दया दिखाने के लिए कहा. He said that it was the fault of the workmen, उसने कहा कि मजदूरों का ये कसूर है. Now the king ordered that all the workmen would be hanged, अब राजा ने आदेश दिया कि प्रत्येक जो मजदूर है उनको फांसी पे चढ़ा दो या उन पे उनको फांसी पे चढ़ाया जाएगा. Together इकट्ठे. द वर्कमैन टोल्ड द किंग, जो मजदूर थे उन्होंने राजा को बताया. इट वॉज नॉट देयर फॉल्ट, कि यह उनका फॉल्ट नहीं है, उनका कसूर नहीं है. द ब्रिक्स वर मेड ऑफ रॉन्ग साइज, कि ईंटें जो हैं वो गलत आकार की बनी हुई थी. नाउ द किंग समंड द मेसंस, अब राजा ने मिस्त्रियों को जो है वो बुलाया. दे केम क्वीरिंग, वो कांपते हुए वहां पे आए. दे टोल्ड द किंग, उन्होंने राजा को बताया. इट वॉज द फॉल्ट ऑफ द आर्किटेक्ट, कि यह वास्तुकार का दोष है.
When the architect was called, जब वास्तुकार को बुलाया गया, he told the king, उसने राजा को बताया, that he, the king, had made amendments in the plans of the architect. तो उसने राजा को बताया कि राजा ने खुद ही जो है वास्तुकार के योजना में कुछ बदलाव किए थे. So it was king's fault. इसीलिए अब यह जो है राजा का दोष है. Now the king summoned the wisest man of the country to have his opinion. अब राजा ने जो शहर का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था उसको उसका विचार जानने के लिए बुलाया. The wise man said that the arch banged the crown off. अब बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि जो आर्च है, जो मेहराब है, उसने राजा के जो ताज है उसको नीचे गिराया. सो द आर्च वाज द कल्प्रिट. इसीलिए मेहराब ही जो है वो दोषी है. एंड इट मस्ट बी हैंग्ड. और उसी को फांसी देनी होगी. द प्रिपरेशन फॉर हैंगिंग द आर्च वर मेड. अब मेहराब को फांसी देने के लिए जो है तैयारियां की गई. बट ए काउंसिलर, लेकिन एक मंत्री ने सेड दैट, उसने कहा द आर्च टच्ड द किंग्स हेड, कि जो मेहराब है उसने राजा के सर को छुआ है. सो इट वुड बी ए सेम टू हैंग इट. इसीलिए यह क्राउन का या राजा का अपमान होगा उसको फांसी देना. नाउ द किंग सेड दैट समवन मस्ट बी हैंग्ड. अब राजा ने कहा कि किसी ना किसी को तो फांसी देनी होगी. सो द नूज वाज सेट. अब फंदा जो है वो तैयार किया गया. बट इट वाज हाई, परंतु वो बहुत ही ऊंचा था. नो मैन इन द किंगडम एक्सेप्ट द किंग वाज सो टाल एज टू रीच अप टू द नूज. पूरे राज्य में केवल राजा को छोड़कर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कि इतना लंबा हो कि वो फंदे तक पहुंच सके. Therefore the king ordered that, इसी वजह से राजा ने आदेश दिया that he should be hanged, कि उसी को फांसी होनी चाहिए. After the king's death, the minister pondered as to who should be the next king. अब राजा की मृत्यु के पश्चात तो जो मंत्री हैं वो विचार करने लगे कि राजा किसको बनाया जाए या अगला राजा कौन होगा. It was a custom, यह एक परंपरा थी, that द नेक्स्ट टू पास द सिटी गेट, कि जो शहर का द्वार है वहां से जो कोई गुजरेगा वुड चूज द रूलर ऑफ द स्टेट, उसको राज्य का राजा चुना जाएगा. जस्ट देन एन इडियट पास्ड बाय द गेट. तभी एक जो मूर्ख है, एक मूर्ख व्यक्ति वो द्वार से गुजरा. द मिनिस्टर आस्क्ड हिम टू द नेम ऑफ द नेक्स्ट किंग. अब मंत्री ने जो है अगले राजा का नाम उससे पूछा, उस मूर्ख से. द इडियट रिप्लाइड दैट ए मेलन शुड बी द किंग. अब उस मूर्ख ने जो है उत्तर दिया कि एक खरबूजा जो है वो राजा होना चाहिए. सो ए मेलन वाज ब्रोट. इसीलिए एक खरबूजा लाया गया. एंड क्राउंड एज द किंग दैट कंट्री. और उसको जो है तख्त पोशी ताज पोशी करके राज्य का राजा जो है वो बनाया गया एक खरबूजे को. तो ये लेसन था हमारा, यहीं पे ये कंप्लीट होता है.